सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंतर व्लॉग। और मतलब दूसरा व्लॉग क्या है, उसी व्लॉग का जो है दूसरा पार्ट है उसी व्लॉग का, क्योंकि वो तो मतलब बहुत लंबा हो जाता फिर। और मैं थोड़ा देर तेज बोलता ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, मैं तो नहीं कर पा रहा एडजस्ट, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ भाई। तो अमित अभी रुका हुआ यहीं पर, दिन में वो मतलब यहीं पर था, तो शाम में थोड़ा बाहर गया था सामान वामान लेने। वो शादी में जाएगा, मेरे इधर फ़ोन चला रहा है बैठा हुआ, शादी में जाएगा रात को 11 बजे की ट्रेन है उसकी, 11:30 की। तो तब तक अभी तो यहीं पे है, तो अभी इसके लिए थोड़ा डिनर बनाते हैं हम, भाई की सेवा की जाएगी फुल। तो आज हम इसके लिए बनाएंगे पनीर, पनीर की सब्ज़ी और रोटियां। मैं हम तीन लोग हैं, मैं हूँ, उपदेश है और ये है, तो तीन लोग हैं हम। अपना रोटी बनाएंगे और मैं पनीर बनाता हूँ और उपदेश रोटी बना लेगा। तो चलो फिर हम तैयारी करते हैं और आप व्लॉग देखो, तब तक के लिए व्लॉग को लाइक वाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ये तो बेशर्म इंसान है, देखो बस खाना पीना और रील्स देखना। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ पनीर की रेसिपी, आ जाओ चलो चलो लो। तो गाइस सबसे पहले हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। बहुत खातिरदारी करता है यार मेरी, क्या बहुत खातिरदारी करता है मेरी। अरे सेवा भाई, देख मैं ना मेरी मेरी लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, बस अतिथि देवो भव, बस सीधी बात। बस ये अतिथि, ये अतिथि ज्यादा बेशरम हो गए। अगर हाँ वो बात लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम भी आओगे, अगर तुम भी आओगे कभी मेरे रूम पे तो तुम्हें भी खाली पेट नहीं रहेगा। बस सामान तो भरो, बस तुम एक काम करना, जब आओगे जो खाना होगा वो ले आना, बना मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो हम देंगे। आज बनेगा पनीर, ओके। तो गाइस अभी जो है अपना पनीर इसके अंदर जाएगा, सस्ती वालों को भी देखते रहो भाई, हाथ ना जले बस। क्या इसके ना पानी है, पानी लगा तो गाइस सब हम पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक, ओके। हमारा पनीर रेडी हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे, बस लहसुन प्याज में से डालेंगे कुछ भी, बस टमाटर टमाटर डालेंगे। तब तक हमारा पनीर होता है, तब तक इसको हम पेस्ट बना लेते हैं अच्छा सा। खोल के दिखा, खोल के क्या दिखा ना, ये देखो सिस्टम। अभी तक हमारे पनीर जो है हो जाएगा तैयार, रेडी होगा बस। तो गाइस हमें जो है पनीर को बस इतना 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 बड़ा होने तक बस इसको फ्राई करना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। तो गाइस अभी जो होती है हमारी कढ़ाई वो हो चुकी है बिल्कुल गर्म, और हमने इसके अंदर डाल दिया तेल, ओके। तेल भी गर्म हो गया, अब जाएंगे इसके अंदर हमारे मसाले जो कि होंगे खड़े मसाले, ओके। तो गाइस हमने इसके अंदर डाल दिया अपने टमाटर का पेस्ट, और अब इसको भुनेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, नमक जाएगा, उसके बाद जाएगा हल्दी पाउडर, एंड देन रेड चिली पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर। तो गाइस जो थी हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है बिल्कुल, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, ओके। तो दोस्तों हमारी जो होती ग्रेवी वो अच्छे से पक चुकी है बिल्कुल,
अभी थोड़ा थिक नहीं हुए तो इसको थोड़ा और पकाएंगे अभी हम। ये ऐसी लग रही है जैसे कढ़ी बना दी हो मैंने। हमें तो थोड़ा सा चेक, ओए इसको चेक कर, थोड़ा नमक मिर्च कैसा हो रहा है इसके अंदर, नहीं नहीं हाँ झूठा कर लें थोड़ा दे लेना, अभी ठीक हो गया नमक मिर्च वगैरह। जो हमारा जो पनीर था वो मतलब जो ग्रेवी है वो तो ऑलमोस्ट पक चुकी है पूरा, और अब बस इसके अंदर पनीर वनीर डालना है। तब तक मैं अपने लिए बना लेता हूँ चाय, मेरा कि भाई मेरे थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा, और अपने को चाय पीनी है, थोड़ा चाय पीने थोड़ा सही हो जाएगा क्या। ये देखो गाइस ग्रेवी बनी है ऐसी। बाकी अगर आपको इसका कलर वगैरह अच्छा चाहिए तो इसको छान के ठंडा करके और छान के आप इसको दोबारा से एक बार छोंक लेना। मैं अपने लिए बनाता हूँ चाय। सो गाइस जब आपकी ग्रेवी इतनी थिक हो जाए उसके अंदर हम डालेंगे, मतलब हमारी या आपकी जिसकी, अब उसके अंदर पनीर डालेंगे, पनीर कर गया भाई बस, अब हम थोड़ा इसको पकाएंगे बस, बाकी हमारा पनीर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखो गाइस आटा ऐसे गूंथते हैं, देखो पूरा पूरा फुल पावर आटा गूंथा जा रहा है भाई, फुल पावर। और हम अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा। और ये क्या वॉक चल रही है, ये देखो पूरा फुल वॉक चल रही है भाई, जल्दी से कर आटा गूंथ रहा है। दिन भर की थकान के बाद जब आपको चाय मिल जाए एक कप, मैं एक बार रहा बस एक दिन के लिए और उसमें भी अकेला ना रियलिटी चेक हो गई यहाँ पे। कौन से होटल में जो वहाँ पे पिंच चौक से नीचे है ना, होटल सिद्धार्थ। हाँ ये देखो अब देखना बड़ा। हाँ हमारा पनीर रेडी है, मस्त है एकदम ग्रेवी वाला पनीर है हमारा। चलो ये निकाल रोटी निकाल, इंग्रेडिएंट क्या डाला क्या तूने? अरे बहुत कुछ डाला उसने, खा के टेस्ट बताना बस। बता दीजिए एक बार। बताऊंगा कैप्शन में डाल दूंगा, कैप्शन में। नाम क्या? ये तो महाराज जी फोन पे लगे हुए हैं। क्या लगा टेस्ट? अच्छा ऐसे मुंह बना के मत होता, अच्छा है ना ये बात। चलो गाइस हम भी खाते हैं। कैसा हो रहा है इसका बता जल्दी से। अच्छा हो रहा है। सो गाइस अपना जो होती है खाना पीना हो गया है, और खाना पीना हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं अमित को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने, और उसको हम ट्रेन में बैठा के आएंगे ताकि वो कहीं खो ना जाए आराम से। अभी जाते हैं उसको छोड़ के फिर आते हैं, मैं और उपदेश जा रहे हैं। ये देखो इसको देखो, ये इसका बैग, और एक बैग इसका मेरे ऊपर है, और एक बंदा अपने साथ ये है इधर। ये देखो गाइस पहली बार एस्केलेटर यूज़ करने वाले बंदे, पहली बार जा रहा ना, पहली बार तू डेली आते जाते जिसने कभी वो देखा रेलवे स्टेशन देखा कभी भी ये देखा, पहली बार आया ना रेलवे स्टेशन तू, पहली बार आया डेली आने जाने वाला हूं। चल सुन हम आ गए ना S5 पे आ गए, तो इसकी सीट ढूंढ दे, सीट नंबर क्या है पता। चल तू सीट ढूंढ दे उसकी पक्का, पहली बार तू आ रहा है ट्रेन में, चल चल सीट ढूंढ दे तू पक्का, चल तुझे मान जाएंगे हम, मिल जाएगी। सो गाइस हम जो है अभी अमित को छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और हमें यहाँ पे हमारा एक जूनियर मिल गया, वो भी अमित के साथ जा रहा है रुद्रपुर तक, तो दोनों का टाइम अच्छे निकल जाएगा, सही है दोनों का टाइम निकल जाएगा अच्छे तुम्हारा ना। और ये हमारा जूनियर पहली बार ही आया है ब्लॉक के अंदर, इग्नोर कर रहा है ना पूरा एंकर, गाय कर रहा है इग्नोर एंकर।
चल ठीक है चल ठीक करना हैप्पी जर्नी आराम से आना मुझे ओके बाय बाय। अभी जो थी हम अमित को और अमित को छोड़ने गए थे वहाँ पे करण भी मिल गया हमें फर्स्ट ईयर वाला लड़का है जो और हम उन दोनों को विदा करके आ गए हैं। अभी हम अपने अपने रूम पे जा रहे हैं और रूम पे जाके हम फिर सो जाएंगे आराम से। तब तक आप ब्लॉग देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और गुड नाइट। हाँ शक्ल तो मेरी दिखेगी नहीं क्योंकि मैं काला हूँ सॉरी मैं चॉकलेटी बॉय हूँ। चलो बाय बाय।